मतलब आपका पिछले एक नई ब्लॉग में, तो अभी मैं अपने गांव में जू बना रहा हूँ और वही इसी वाले रास्ते पे हूँ जिस पे हम घास लेने जाते हैं। और तुलसी जा रहा हूँ मैं यहाँ से, जो कि 5 किलोमीटर है त्रिवेणी नारायण से, जहाँ पे कि रोड नहीं जाती है, पैदल रास्ता है। लास्ट गांव है यहाँ का, वहाँ से केदारनाथ कुछ 16 किलो, वासुकी तार है 16 किलोमीटर त्रिवेणी नारायण से, और त्रिवेणी नारायण से तुलसी है 5 किलोमीटर, ज़्यादा कि रोड नहीं जाती है, पैदल ही जाना होता है। क्योंकि स्कूल भी यहीं पर है, वहाँ पर भी स्कूल है, लेकिन वहाँ 8वीं तक स्कूल है, उसके बाद उनको त्रिवेणी नारायण में आना होता है स्कूल के लिए, स्कूल पढ़ने के लिए उनको फिर त्रिवेणी नारायण में आना होता है। 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर रोज अप डाउन करते हैं, उसके बाद वो स्कूल पढ़ पाते हैं। और गाड़ियों का भी वही सीन है, एक बार उनको 5 किलोमीटर वहाँ से पैदल त्रिवेणी नारायण में आना है, उसके बाद फिर वहाँ से त्रिवेणी नारायण से गाड़ी मिलेगी, क्योंकि वहाँ पर रोड है नहीं तो गाड़ियाँ अवेलेबल होती नहीं है। और नेटवर्क का भी कुछ ऐसा ही है, जियो लगने के कारण शायद अब नेटवर्क आ सकते हैं, लेकिन अभी पता चलेगा वहीं पर जाने के बाद वहाँ पे नेटवर्क आते हैं कि नहीं आते हैं। तो ये रहा वो रास्ता, ये सामने पे रहा जहाँ घास के लिए जाते हैं मम्मी लोग, और ये नीचे वाली नदी रही, अभी नदी को दिखाऊंगा। हम यहाँ जाते हैं नीचे, और ये रास्ता जा रहा तोसी के लिए, ये देख सकते हैं इसके पीछे है तोसी, तो हमको यहीं जाना है अभी। एक बार हमको यहाँ नीचे जाना है, फिर ऊपर चढ़ना है, फिर इधर, फिर आज ही हमको वापस भी आना है। कुछ इस तरह का रास्ता है तोसी जाने के लिए, देख सकते हैं बहुत जंगल ही जंगल है आगे, और यहाँ पे लोग खड़े हुए हैं अभी, कुछ सामान ले जा रहे हैं। तो उसे देख सकते हैं आप किस तरह से मेहनत, जब रोड नहीं है तो फिर लोग खुद अपने कंधों पे सामान लाद के ले जाते हैं। उनकी बकरियाँ भी यहाँ पे लाई हुई है चराने के लिए। तुम्हें तो सी होना, तो ये पुल है, यहाँ का नाम है गटपर, ये जोड़ता है त्रिवेणी नारायण तोसी को। यहीं पे देख घास दे सकते हैं, यहाँ ऊपर ये पूरी घास है, तो हम यहाँ ऊपर जाते हैं इसके ऊपर वाली साइड में, फिर वहीं से ले आते हैं घास। अभी जो घास दिख रहे हैं यही है सामने वाले इस पर भी होती है जहाँ हम जाते हैं, जो वहाँ की घास ख़त्म हो जाएगी तो फिर यहीं पर आते हैं, यहीं की घास काटते हैं। यहाँ पर ज़्यादा टाइम के लिए, एक दिन के लिए घास होती है, फिर इसके बाद पीछे जाते हैं हम, उसके बाद यहाँ से इंच ऊपर जाना है, फिर यहाँ से फिर नीचे जाना है। एक दूसरी नदी आती है फिर वहाँ पे जाते हैं घास के लिए। ये आगे आपको ये दिख रहा है, यहाँ जाते हैं घास के लिए, और हम जाते सीधे नदी में, फिर यहाँ से इधर आते हैं, और यहाँ से नीचे नदी में, फिर यहाँ से सीधे ऊपर गांव में। अगर अभी हमको तुलसी या त्रिवेणी नारायण जाना है तो हमको चढ़ाई एकदम इक्वल पड़ेगी, ये ऊपर तुलसी की चढ़ाई और ये सामने पर ऊपर त्रिवेणी नारायण की चढ़ाई, तो यहाँ से एकदम बराबर हो जाता है चढ़ाई। और तो उसे यहाँ से थोड़ा ही है, 1.5 किलोमीटर तो हम आएगी वहाँ से, और बचा हुआ 3.5 किलोमीटर और है, देखते हैं ऊपर में चढ़ जाएंगे। तो उसके बाद हम बस पहुँच ही गए हैं, वो काफ़ी टाइम के बाद आ रहा हूँ मैं, करीब 4 या 5 साल बाद में तो उसे आ रहा हूँ। काफ़ी हालत ख़राब है, लेकिन उतनी नहीं है, अब आदत पड़ गई है घर में काम करने की। अभी चढ़ा जा रहा है, चढ़ाई दिखाता हूँ आपको पहले, कुछ ये चढ़ाई है, और ये सामने पूरी घास है ऊपर, हमारे साथ वाले ये चढ़ रहे हैं आगे पे। आप चढ़ाई देखिए सीधे आगे, यहाँ ऊपर तक ऊपर ही जा रही है, ख़त्म नहीं होगी। हम यहाँ ऊपर से जो मकान दिख रहा है आपको, इससे पीछे गांव है, लास्ट गांव है, यहाँ एक धार दिख रही होगी, धार में लास्ट गांव है, और यहाँ से आए नीचे नदी में, ये नदी है, और रास्ता भी अभी चल ही रहे हम, ये यहाँ से ऊपर जाना है, फिर जाके पहुँचेंगे हम ऊपर में, फिर उसके बाद है थोड़ा नॉर्मल रास्ता है, चढ़ाई नहीं है, फिर जाके जल्दी चल पाएंगे हम। अभी आप देख सकते हैं लंबी लंबी घास है, तो ऐसे ही आगे भी जहाँ हमारी मम्मी लोग गए रहती हैं और सारे गांव वाले गए रहते हैं, इतना आसान नहीं होता है। तो
इतना आसान नहीं होता है चलना, आप देख सकते हैं यहाँ पे वैसे सूखी घास, अगर कोई फिसल गया तो सीधे नीचे। अब ये रहा त्रिविनायन गांव, अभी घर को देख सकते हैं ये वाला, ये अभी जो पिछले हमें पहले हमने वीडियो बनाया था ये कितना ऊपर दिखाई दे रहा है, लेकिन अब हम इसके लेवल तक पहुंच ही गए हैं, बस अभी थोड़ा और पहुंचना है। यहाँ पे लोग काम कर रहे हैं ऊपर, रास्ता बनाने में लगे हुए लोग ऊपर। अभी देख सकते हैं आप, अब हमको सिर्फ ये दिखाई दे रहा था, अभी गांव का ये और ये ऊपर टॉप ये भी दिखाई दे रहा है, तो आप सोच सकते हैं हम कितने टॉप पे आ गए। अभी ये पर्वत ये सामने पे दिखाई दे रहे हैं, ये देखिए, और ये लास्ट चढ़ाई है, और तोसी जाने के लिए लास्ट चढ़ाई है, यहाँ का नाम है चोरी। अब चोरी यहाँ तक तो हम बस मम्मी लोग घास के लिए आते, तो यहाँ तक हम बस यहाँ नहीं, ये टॉप फिर यहाँ से नीचे जाना है, नीचे नदी है ये वाले सामने पे जो दिख रहा है आपको, इसमें मम्मी लोग घास के लिए आई भी रहती हैं, और हम नीचे उनको रिसीव करने में लेने के लिए, घास लेने उनके पास जो उसके लेने के लिए गए हुए रहते हैं, इससे नीचे तो हम बस घास लेने के लिए गए हुए रहते हैं। मेरी हालत आप देख सकते हैं, इतनी चढ़ाई पर चढ़ना, पसीना आना तो एक नॉर्मल सी बात है, एक नॉर्मल सी बात है पसीना आना, तो थोड़ा नॉर्मल वाले रास्ते में हम पहुंच ही गए हैं कि तोसी वाले, हम थोड़ा रेस्ट करेंगे उसके बाद निकलेंगे आगे। तो यहाँ ऊपर आते, यहाँ पे जो पोल दिखेंगे आपको, यहाँ पे दो रास्ते आते, ये आता है तोसी के लिए, और यहाँ पे एक लोग रहते हैं नीचे पे, उनका सिंगल अकेला मकान है वहाँ पे, तो हमको वहाँ जाना है, तोसी यहाँ से लगता है शायद, मैं आपको तोसी नहीं दिखा पाऊँगा क्योंकि मेरे को यहाँ पे नीचे जाना है, वहाँ काम है, तो वहाँ पे हमको फिर से न्योता देना जाना है शादी के लिए, कि आपको शादी में आना है, तो उनका घर यहाँ पे अकेला है, तोसी उधर रह गया, उनका घर यहाँ पे अकेला है, तो हमको यहीं पर जाना है, अगर टाइम लगेगा तो हम तोसी जाएंगे, कल यहीं से कहीं से दिख रहा होगा तोसी, तो आपको दिखाएंगे तोसी ज़रूर। अगर जी मेरे को नहीं पता था कि इनका घर यहीं पे है, मतलब इतना दूर है घर, शायद ब्लॉग भी नहीं बनाता, लेकिन चलो चलता है, दिखाएंगे तोसी अगर दिखेगा यहीं कहीं से, अगर दिखेगा तो आपको ज़रूर दिखाएंगे तोसी गांव, नहीं दिखेगा तो फिर देखते हैं ब्लॉग आता है या नहीं आता है। तो ये सामने पर रहा तोसी गाँव, ये आपको दिख रहा है यहाँ से, लेकिन हम बहुत दूर है गाँव से अभी, तो हम वहाँ नहीं जा सकते हैं क्योंकि पहले यहाँ का काम निपटाना नीचे का, ये रहा गांव यहाँ से थोड़ा आधा दिखाई दे रहा है, पूरा नहीं है ये, तो आधा ही दिखाई दे रहा है। तो ये पहुँच गए अब जहाँ पे हमने जाना है, ये दो चार घर में से एक घर उनका है जहाँ पे हमने अभी जाना है, और इसके पीछे ये धार दिख रही है, इसके पीछे तोसी है बस, लेकिन अभी वहाँ जा नहीं सकते हैं, ये टाइम नहीं है, वो घर वापस जाना है आज ही, अंधेरा हो जाएगा रास्ते में तो कोई फ़ायदा है नहीं, तो पुराने घर दिखाता हूँ पुराने घर कैसे होते हैं। तोसी से वापस, लेकिन वहाँ पे नेटवर्क नहीं था जियो का, और एयरटेल का नेटवर्क भी नहीं था, क्योंकि हमने ट्राई किया अपना खुद के फ़ोन पे, हमारे फ़ोन में नहीं आ रहा था नेटवर्क, लेकिन वो बता रहे कि वहाँ पे नेटवर्क रहता है, वो बात करते हैं वहाँ से, नेट चलाते हैं इंटरनेट चलाते हैं, लेकिन हमारे फ़ोन में तो नहीं आ रहा था, और तोसी भी नहीं जा पाई क्योंकि हमको वापस घर भी जाना था, तो अभी आधा रास्ता हम आए गए वहाँ तोसी से, तो तोसी भी नहीं जा पाए क्योंकि हम लोग काम निपटाना था, उसके बाद हमको घर भी जाना था, अंधेरा हो जाएगा तो फ़ायदा क्या है, फिर अंधेरे में ऐसे हम हाथ पैर मार के चलेंगे, तो सारा जंगल का रास्ता है आगे, तो इससे अच्छा है कि हम जब तक उजाला है तब तक घर पहुंच जाए, तो उसी गई दूसरे दिन चले जाएंगे।
ये जा रहे पानी पीने अभी, क्योंकि चढ़ाई स्टार्ट होने वाली है। एकदम नीचे उतराई आए हैं और ये पी रहे पानी यहाँ पे नदी का।